दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त को सपोर्ट करना ना भूलें। जय श्री महाकाल। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ शिवरात्रि की सच्ची कहानी। शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है, इसकी विधि और प्रारंभ कब से हुई है, एक सच्ची और एक बहुत ही विश्वसनीय पुरातन, युगों युगों से भी पुरातन कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं शिवरात्रि की। जो लोगों ने कहानियाँ सुनी है उन सब से हटके अति प्राचीन 4,43,42,46,678 साल पुरानी उस कहानी को लेकर आया हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी में है भक्त नैननार, जिन्होंने अपने नैनों का दान किया था। ये बहुत ही प्राचीन कहानी है और ये दोस्तों ऐसे भक्त थे जो जंगलों में रहते थे, जिनको आज हम आदिवासी गोंड भील कहते हैं। ये उनकी कहानी है जो अरबों साल पुरानी है। दोस्तों एक बार भक्त नैनार जंगल में शिकार करने के लिए गए तो देखा उन्होंने कि एक पत्थर से खून बह रहा है और उस पत्थर में एक आंख लगी है, दूसरी आंख गायब थी। तब नैनार ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक आंख हेड़ कर इस पत्थर में लगा दूं, जिससे खून बहना बंद हो जाए और इस पत्थर की लिए मैं और क्या कर सकता हूं। तो भक्त नैननार ने अपनी एक आंख निकाल कर उस पत्थर में चिपका दी। जैसे ही उन्होंने एक आंख पत्थर में चिपकाई तो जो पत्थर में दूसरी आंख लगी थी वह निकल कर गिर गई और उनकी दूसरी पत्थर की दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा। दोस्तों जैसे ही दूसरी आंख से खून बहने लगा तो जो भक्त नैननार थे उन्होंने अपनी दूसरी आंख लगाकर उस पत्थर में चिपका दी। जैसे ही उस पत्थर में नैननार ने, जो भील थे, गौंड थे, आदिवासी थे, आजकल लोगों ने नाम रख लिए हैं परंतु पहले ऐसा नहीं था, जो जंगल में रहते थे उन्हें जंगल में रहने वाले लोग बोलते थे। तो जो भील थे जैसे ही उन्होंने अपनी एक आंख पत्थर से चिपकाई उसका खून बंद हो गया, जैसे ही दूसरी आंख निकाल कर उस पत्थर से चिपकाई दूसरी नेत्रों का रक्त बहना बंद हो गया, और जैसे ही उन्होंने दोनों आंखें लगाई भगवान स्वयं जगत पिता, पिताओं के भी पिता, परम पिता के भी पिता स्वयं प्रकट हुए, जिनको शिव शंकर स्वयंभू शंभू कहते हैं। और दोस्तों उन्होंने भगवान शिव शंकर ने भक्त नैननार से पूछा कि क्या मांगना चाहते हो, जो तुम्हें मांगना हो वो मांगो। तब जो नैननार जी थे उन्होंने बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो मेरे दोस्तों हमेशा याद रखिए, एक शिव शंकर स्वयं भयंकर महादेव हैं, जो ना तो किसी पूजा पद्धति से बंधे हैं, ना ही किसी शक्ति, किसी के मोह माया के भूखे हैं। मेरे भाइयों आप सच्चे दिल से भूखे पेट भी भजन कीजिए, तब भी वो आपको मिल सकते हैं। और जहाँ तक हो मेरे दोस्तों, जो भी मेरे शिव भक्त हैं ये उनके लिए है विशेष तौर पर, महादेव को मन में मानिए, शीतलता रखिए, जल के जैसे पवित्रता रखिए। जरा भी मन में कुछ रखेंगे, दिमाग में कुछ चलाएंगे तो शिव को पाना असंभव है। शिव को एकदम स्वच्छ व्यक्ति चाहिए तो भक्त नैननार जैसे बनिए। मन में लोभ लालच घृणा द्वेष इन चीज़ों को दूर रखिए और बोलिए जय शिव शंकर हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर महादेव। और दोस्तों आखिरी में बोलना चाहूँगा, एक बहुत काम की लाइन है, शिवरात्रि का व्रत 2 दिन का भी रहता है, बहुत से लोग 1.5 दिन का मनाते हैं, बहुत से लोग 1 दिन का। तो स्वच्छ मन से शीतलता रखिए और जहाँ तक हो भगवान को पाने के लिए अपना व्रत रखिए और अपना कर्तव्य तय कर लीजिए कि आज से हमको ये करना है, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए।
अपना कर्म आप सही से करिए, महादेव स्वयं साथ देते हैं। हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त को सपोर्ट करना ना भूलें।